सॉल्व। ठीक है, देखिए ये फोर्थ का थर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि पहले तो एपी में है कि नहीं ये चेक करना है। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे की तीन टर्म्स बतानी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो हम मान लेते हैं यहाँ, या फिर गिवन लिख दो, गिवन में है ये ए वन इक्वल टू पहली टर्म है -1.2, ए टू दूसरी टर्म है -3.2, ए थ्री थर्ड टर्म है -5.2, ए फोर फोर्थ टर्म है -7.2, इस तरह से आगे। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे नाउ ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखो ए टू कितना है -3.2, और माइनस ए वन कितना है -1.2। यहाँ ध्यान देना, ये माइनस तो इसमें है ही, लेकिन ए वन की वैल्यू भी माइनस में है, तो वो ब्रैकेट में आ गया माइनस। आकाश ध्यान दो इधर। और ए थ्री, हाँ ठीक है, तो ए थ्री कितना है -5.2, और माइनस, और ए टू कितना है, ए टू भी माइनस में है, तो -3.2, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। अब देखो -3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 1.2 इजकल टू -5.2, माइनस माइनस प्लस 3.2। अब देखो टू में से टू गया 0.3, में से बन गया, मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, एक प्लस एक माइनस है तो घटाएंगे, थ्री में से बन गया तो टू, तो माइनस के ही बचेंगे, इक्वल टू यहाँ पे इसमें से टू में से टू गया 0.3, में से वो फाइव में से थ्री गया तो टू, माइनस के ही बचेंगे, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस ये जो है इस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, फॉर्म ऑफ एन एपी। देखो एपी की फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, तीन टर्म आगे के पता करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो ए तो हमें पता ही है कितना है -1.2, और डी जो यहाँ पे आया है -2.0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है, तो -2d मार लो। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब हम आगे की क्या है, चार के बाद फिफ्थ टर्म, तो ए फाइव इजकल टू क्या होगा, ए प्लस 4d, तो a कितना है हमारे पास -1.2 प्लस 4, और d कितना है -2। ठीक है ना, तो -1.2, तो प्लस माइनस का इनटू क्या होगा, -4 2 8, तो आप दोनों माइनस के ऐड कर दो, तो इसको ऐसे ऐड करेंगे 1.2 में 8.0 ऐड करेंगे इस तरह, तो 2 8 over 9, तो माइनस के दोनों हैं, तो माइनस के 9.2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए फाइव के बाद ए सिक्स क्या होगा, ए प्लस 4 5d, तो ए कितना है आपने पास -1.2 प्लस 5d कितना है -2। ठीक है, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 10, तो इसमें 10 में ये प्लस कर दो 1.2, तो कितना हो जाएगा, देखो 10 में 1.2 प्लस करोगे तो 11.2, माइनस के 11.2, दोनों माइनस के हैं तो 11.2 आ जाएगा। तो अब ए सेवन, तो ए प्लस 6d, तो ए कितना है हमारे पास -1.2 प्लस 6d की वैल्यू कितनी है -2, तो -1.2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 6 2 12, माइनस के 12, तो 12 over माइनस के 13.2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही आप बार बार ना लिख के इतना ही छोड़ सकते हो, क्योंकि ए फाइव ए सिक्स ए सेवन अलग ही दिख रहा है सब लिखा हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लिखोगे तो थोड़ा सफाई से भी लिख जाएगा और ठीक भी है।